जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। एज प्रॉमिस्ड, हम आपके लिए रेन एंड मार्टिन, अ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, रिवाइज बाय एनडीवी प्रसाद राव का फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस हिंदी में लेकर आए हैं, जो कि आपके एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेदर एनडीए, सीडीएस, एएफकैट, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, यूपीएससी, सीएससी, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो क्रिएट किया है मेगा सिंह राठौड़ ने, एंड आफ्टर आई कंप्लीट You will know everything about the sentence and its type. So let's start. अब सबसे पहले हमें ये जानना है what is a sentence. उसको जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा घर कैसे बनता है। अगर हम कोई घर बनाना चाहते हैं तो there has to be some building blocks. Building blocks क्या होती हैं? Bricks होती हैं। तो वैसे ही अगर हम कोई sentence बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो building blocks होंगी वो होती हैं words. वर्ड्स, तो वर्ड्स क्या होती हैं? सेंटेंस की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। अब अगर आप घर बना रहे हैं और ब्रिक्स को जहां तहां रख दें तो उस तरह से हमारा घर या कोई भी स्ट्रक्चर बनके तैयार नहीं होता है। उसको एक गिवन फिक्स पैटर्न में ही आप रखेंगे तभी जाकर के वो घर बनेगा कोई या कोई स्ट्रक्चर खड़ा होगा। वैसे ही अगर आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यू नीड टू पुट द वर्ड्स इन अ सर्टेन ग्रुप्स, जिससे कि उसका कुछ कंप्लीट सेंस निकले। तो इस तरह से हम जानेंगे कि जो सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं, मोहन ईट्स अ मैंगो। यहां पे आप देखिए, मोहन ईट्स अ मैंगो, ये सारे अलग 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 वर्ड्स हैं। इनफैक्ट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनका जो अरेंजमेंट है एक सर्टेन पैटर्न में है तभी जाकर के ये कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। मोहन ईट्स अ मैंगो मतलब कि मोहन आम खाता है। अगर इन्हीं वर्ड्स को उन ब्रिक्स की तरह हम जहां तहां रखें, ईट्स मोहन मैंगो अ, तो फिर इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इसका मतलब यह है कि आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब लेते हैं तो उसको इस टाइप से अरेंज करना है कि उसका एक कंप्लीट सेंस हो, तभी जाकर के वो सेंटेंस होता है। अब कुछ सैलिएंट फीचर्स इसके बारे में हम जानेंगे। Sentence will always start with a capital letter and will end with either full stop, exclamation mark or question mark. अब हम जानेंगे, sentences are of four kinds. पहला होता है declarative और assertive, दूसरा interrogative और question, तीसरा imperative, चौथा exclamatory. एक एक करके हम इन चारों के बारे में जानेंगे। Declarative और assertive sentence. अब ये होते क्या हैं? A sentence that makes a statement, बयान, statement का मतलब बयान देना होता है, मतलब अब आपका statement या तो positive हो सकता है या negative हो सकता है। इस तरह से ये declarative और assertive sentence या तो positive हो सकते हैं या फिर negative हो सकते हैं या किसी भी tense के ये sentence हो सकते हैं। तो हम इसको जानेंगे, a sentence that makes a statement, बयान और assertion, अभिकथन। तो इस तरह से ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट देता है या assertion देता है उसको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज अ रिनाउंड बॉक्सर, राम एक प्रसिद्ध बॉक्सर है। आई एम नॉट हंग्री, ये दोनों ही हैं स्टेटमेंट हैं। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि आई एम नॉट हंग्री, आप देखें तो यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब कि पहला जो आपने देखा वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट था। तो इन दोनों से आपको क्या पता चलता है कि कोई भी स्टेटमेंट या assertion, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी भी टेंस में हो, तो वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम देखेंगे, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस। इसका डेफिनेशन है सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इस पैटर्न में अरेंज हो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, उसको हम इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो हाउ आर यू हमने जो लिखा है वो डब्ल्यू एच सेंटेंस है, मतलब डब्ल्यू एच का जो क्वेश्चन, डब्ल्यू एच से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं वो है। तो इस तरह से कुछ एक वर्ड्स हम देखेंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हु कौन। तो
यूजुअली जब भी इस टाइप से सेंटेंसेस पूछे जाएं, चाहे व्हाट से, वेयर से, हाउ से, व्हेन से, व्हाई से, हु से, तो इस तरह से आपको देखते ही समझना है कि यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है। अब ये जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं वो यूजुअली सुनने में तीन तरह के होते हैं। एक तो जिसमें आंसर उसको यस या नो चाहिए, दूसरा जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, जैसे मैं अगर पूछूं कि हाउ आर यू, आपके आंसर होगा आई एम फाइन, इसका मतलब आपने इंफॉर्मेशन दी कि मैं ठीक हूं, तो इस तरह से इंफॉर्मेटिव होते हैं, यूजुअली WH से शुरू होंगे। तीसरा जो टाइप है उसमें यह होता है आपसे चॉइस पूछी जाती है कि आप, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, वहां पे आप यस नो जवाब नहीं देंगे, ना ही कोई लंबा सा सेंटेंस बताएंगे जिसमें कोई आप इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, आप बस बोलेंगे टी या फिर कॉफी। तो इस तरह से तीन ये टाइप्स हो गई। तो यहां पे हमने जो दिया है वो एक WH सेंटेंस है। तो इस तरह से आपको ये पता हो गया कि इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं। अ क्वेश्चन सेंटेंस विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड विल ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हमेशा उसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी ही होगा। अब फिर अगला हम जानेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंट्रिटी, मतलब कि ऐसा सेंटेंस जो कि कमांड देता है या फिर एंट्रिटी आपसे विनती करता है, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्टैंड देयर, मतलब कि वहां खड़े हो जाओ। दूसरा है प्लीज मेंटेन साइलेंस, शांति बनाए रखिए। अब आप पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले में कमांड था, दूसरे वाले में एंट्रिटी विनती थी। तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। लेकिन इसमें एक खास बात देखने की यह है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को तोड़ते हैं तो वो दो हिस्से में होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे। इसमें आप पाएंगे कि यूजुअली आपका सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है। अगर मैं स्टैंड देयर कहूं तो यहां पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि मैं तुम को बोल रहा हूं, यू को, ही को, सी को, आई को, किसको डिनोट मैं डिनोट कर रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज मेंटेन साइलेंस, या तो मैं कुछ लोगों को कह रहा हूं, यू प्लीज मेंटेन साइलेंस, या फिर मैं सिर्फ एक आदमी को कह रहा हूं। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा बट हिडन होगा, जिसका यूजुअली जो मतलब होगा वो यू होगा, मतलब हम जो भी सेकंड पर्सन जो सुन रहा है उसको हम या तो कमांड देते हैं या फिर एंट्रिटी देते हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो फॉर्म होते हैं उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कमांड हो या एंट्रिटी हो। यूजुअली इसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, हिडन सब्जेक्ट होता है जिसको कि हम यू कहते हैं। देन लास्ट जो चौथा है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो कि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग भावना को दर्शाता है। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट अ नाइस मूवी, मतलब कितनी अच्छी मूवी है। दूसरा है हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है। तो इन दोनों में मैं पहले में आपको जॉय दिखता है कि आप खुश हैं कि आपने बहुत ही अच्छी मूवी देखी और आप कह रहे हैं व्हाट अ नाइस मूवी। दूसरा आप, या तो आपको पेन हो रहा है कि हाउ कोल्ड द नाइट इज। तो इस तरह से ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है, ऐसा सेंटेंस उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो रेन एंड मार्टिन के हिसाब से ये चार टाइप के सेंटेंसेस हो गई। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक चीज ध्यान देने की बात है, दिस विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड विल ऑलवेज एंड विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अब अगर मैं इनको एक नटसेल में बांधू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक हाउस बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्ड्स होते हैं, और एक अच्छे तरह से जो अरेंजमेंट हो जो कि एक कंप्लीट सेंस दे, तब जाकर के सेंटेंसेस बनते हैं। और मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था सेंटेंस विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड विल ऑलवेज एंड विद ईदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये था कंप्लीट सेंटेंस के बारे में जो कि रेन मार्टिन के हिसाब से है और उनके काइंड्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोडेड होता है तो उसको मिस ना करें। थैंक यू।